हाय एवरीवन, मैं हूँ मौसमी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैं तेजपत्ता दिया है, अभी मैं रिफाइंड ऑयल दूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा, करीब हाफ टी स्पून। ये जीरा थोड़ी सी ब्राउन हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून अदरक। अब इसे हाफ टी स्पून जीरा पेस्ट किया हुआ। अभी हाफ टी स्पून मैंने चिली ऐड किया, पेस्ट किया हुआ। अब इसमें हम डालेंगे जो ब्लैक जीरा होते हैं ना, काली जीरा, वो हाफ टी स्पून। अब इसे थोड़ी सी फ्राई कर ले। अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर को मैं बारीक काट लिया है, छोटे छोटे पीस में। आप चाहे तो इसे पेस्ट करके भी डाल सकते हो। अभी मैं थोड़ी सी फ्राई करने के बाद थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जो है वो कढ़ाई में लग ना जाए, जल ना जाए। ये टोटल ही वेज रेसिपी आज मैं बना रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब इसमें मैं जो आलू है पोटैटो उसे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर को मैंने बॉईल करके रख दिया है, बॉईल। तो एक साथ इसे मसाले के साथ मिला ले। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कॉलीफ्लावर। साला अब मैं ऐड करूंगी नमक। थोड़ी सी पानी देके इसे पकाएं। ये रोटी या पराठे या राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया, ये टोटल सिंपल तरीके से मैं ये कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया इसमें। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे ये रेसिपीज तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी आप मुझे बोल सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी पानी ऐड कर ले।
अब इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख दे। तो तीन चार मिनट ये पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कोरिएंडर लीफ। अब इसे मिक्स कर ले। बस कोरिएंडर लीफ देने। तो ये कंप्लीट हो गया है मेरे जो रेसिपी है वो। तो आप देख सकते हैं